कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, मेरी तरफ से सभी को एडवांस में हैप्पी होली, जितने भी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं। सो यहाँ पे देखिए गाइस, ये मेरा जो बेटा है ना, सो किस तरीके से मेरा हेयर स्टाइल लगाने में पड़े हैं। सो मैं सुबह ही सर धो के आई और मैं कॉम कर रही थी, तो बच्चे हैं ना, पता नहीं इनको कौन सी हैबिट लगी हुई है कि बालों को बिल्कुल से नहीं मुझे कॉम करने देते। इनको अच्छा लगता है मेरे हेयर को कॉम करना। सो किन किन के बच्चों को अच्छा लगता है अपनी मम्मी के हेयर को कॉम करना। सो दोनों देखे किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं मेरे हेयर में। पता नहीं आज कौन से ये स्टाइल करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जाने भी नहीं दे रहे हैं, उठने भी नहीं दे रहे हैं। अगर उठती हूँ तो रोते हैं बच्चे। जाऊँ जाऊँ क्या मैं, बोलो जाऊँ क्या मैं। चलो छोड़ दो मेरे बाल, मैं जाती हूँ। मुझे काम भी तो करना है ना, परसेस काम पड़ा है ऐसे ही सारा घर का, और आप लोग मुझे यहाँ पे लेके बैठ गए। सो ये मुझे उठने नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए क्यों नहीं मैं थोड़ा सा ब्लॉग ही आज बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गए मैं ना वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता है मेरा बिल्कुल भी, और कहीं पे मन भी नहीं लगता आजकल। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी चीज़ों में मन नहीं लग रहा है। सो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ कोई भी मेकअप की। सो सोच रही हूँ आज ब्लॉग ही आप लोगों को दे दिया जाए। सो मेकअप से रिलेटेड तो कोई आज वीडियो नहीं है, बट फिर भी छोटी सी वीडियो है, आप लोग देखना और अपना प्यार जरूर देना इस वीडियो में। ओके गाइस, सो हमारा बेटा देखो कैसे देख रहा है, पीछे क्या देख रहे हो। ना ना, वो बोल रहा है कि कुछ नहीं देख रहा मैं। सो उसने अभी चाय पी है और मुंह देख सकते हैं कैसे हैं। सो उसके दांत ना गाइस दवाई के कारण बिल्कुल सारे ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा दवाई खाता है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बट अब तो ऊपर वाले की दुआ से सही है ये, बट पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। ओके गाइस, बट अब नहीं है ये बीमार। सो गाइस, मेरा फेस ना बिल्कुल अब साफ हो गया है, पहले मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल थे। सो मैं ना इसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मुझे 1 मंथ तो हो गया है पर अभी भी चलेगा। देखना चाहती हूँ कि कितने दिन का ट्रीटमेंट है, और मैं आप लोगों को फिर शेयर ज़रूर करूँगी कि मेरे जो पिंपल है बिल्कुल मैं इनको जड़ से ख़त्म करूँगी और फिर ये दोबारा मेरे फेस पे कभी नहीं निकलेंगे। एक ऐसा ट्रीटमेंट है, आप देख सकते हो गाइस, बिल्कुल कुछ परसेंट रह गए हैं, 30% है बाकी, 70% है वो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी 30% है ये भी सही हो जाएंगे। ओके, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी कि किस तरीके से मेरे पिंपल ठीक हुए हैं। सो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइस। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखना गाइस। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, कुछ चीज़ें खरीदने का बजट भी नहीं होता है, बट फिर भी आप लोगों के लिए ख़रीदती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मैं देना चाहती हूँ, मतलब आप लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि हाँ ये चीज़ कैसे होगी, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ गाइस। ओके, सो बने रहना, आप हमारे साथ जुड़े रहना। सो इस हेयर कट की मैंने वीडियो डाली थी, आप ज़रूर जाके चैनल पे चेक करना, बहुत अच्छा हेयर कट मुझे लगा है और मैंने किया है इसको खुद से ही, तो आप भी इस तरीके से खुद से ही अपना हेयर कट कर सकते हो। ओके, सो इस हेयर कट में बस ज़्यादा क्या होता है कि ओपन हेयर रखने पड़ते हैं, बट मैं ओपन हेयर नहीं रख पाती हूँ, गाँव का माहौल है, डस्ट है यहाँ पर सारे हेयर में, मुझे हर रोज़ धुलना पड़ेगा तब जाके डस्ट गायब होगी, इसलिए मैं हेयर को ओपन नहीं रखती हूँ। सो अगर आप सिटी में रहते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस हेयर कट को आप खुद से ही कर सकते हैं। ओके, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखना।